हाँ जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया इंतज़ार? 14 सितंबर 2023 को। 14 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आई सेक्शन 109 में, और इस नोटिफिकेशन ने क्या कहा कि भाई जो बहुत दिनों से पेंडिंग था अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, वो अब आ गई है। अब आपको ये देखना है कि आपके शहर में अपीलेट ट्रिब्यूनल है या नहीं, आपकी स्टेट में अपीलेट ट्रिब्यूनल है या नहीं, आपके ऑफिस से कितनी दूर है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है। तो आप कौन कौन सी स्टेट से हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लोग दिल्ली से हैं, तो भाई यहाँ पर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल दी गई है ये किस बेसिस पर दी गई है? ये दी गई है कि भाई आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। तो दिल्ली वालों को सिर्फ एक अपीलेट ट्रिब्यूनल मिली है, ठीक है ना। दिल्ली में जो मिली है सिर्फ एक बेंचेज मिली है, जबकि अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो भाई यूपी को ज़्यादा मिली होगी या कम मिली होगी, फटाफट से बताओ। हाँ सर, यूपी की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर 3 बेंचेज मिली है। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, आगरा एंड प्रयागराज। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप कह रहे हो 3 शहर के नाम बता दिए, 5। भाई जीएसटी में यही तो खूबसूरती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हरियाणा वालों, हरियाणा वालों आपको मिली तो एक ही बेंच है, लेकिन आपके जो शहर के नाम है वो 2 हैं, एक गुरुग्राम मतलब कि गुड़गावा और एक हिसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंचेज हैं, ये आपको आपकी स्टेट के बेसिस पर, आपकी स्टेट में क्या पॉपुलेशन है, कितने केसेस पेंडिंग हो सकते हैं, उसके बेसिस पे दी गई है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट वालों को, तो नॉर्थ ईस्ट वालों को बोला गया कि भाई तुम सारी स्टेट्स मिलकर आपको एक बेंच दे रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर केसेस कम होंगे तो आप बांट लेना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बेंचेस दी गई। अगर आप बात करोगे गोवा और महाराष्ट्र की, तो गोवा और महाराष्ट्र में 3 बेंचेस मिली है, जिसमें एक मुंबई, पुणे, थाने, नागपुर, औरंगाबाद एंड पणजी। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि जब यहाँ पर बेंचेस 3 है और शहर 6 हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि ये कैसे होगा? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ गुजरात वालों के लिए, गुजरात वालों को 2 बेंचेज मिली है लेकिन शहर के नाम 3 है, ठीक है ना। हरियाणा वालों को, ठीक है, 1 बेंचेज मिली है, शहर के नाम 2 हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सर आप ही बता दो भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी कहती है, लेट सपोज करो हरियाणा है। अब हरियाणा में कोई केस गुड़गावा का है तो वो गुड़गावा बेंच में सुना जाएगा, लेकिन अगर कोई केस मान लो रोहतक का है, मान लो हिसार का है, ठीक है ना, तो वो हिसार में सुना जाएगा। मान लो सिरसा का है, वो हिसार में सुना जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका नियर बाय एड्रेस होगा, उसके बेसिस पे आपके केस की हेयरिंग होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई गुड़गावा में व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसे हम हिसार भेज दें, या जो हिसार का बंदा है उसे गुड़गावा भेज दें। इसलिए यहाँ पर 2 शहरों के नाम दिए गए। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और हाँ, हमारा सैटरडे संडे का कोर्स एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके, फटाफट से उस कोर्स को ले लीजिए। सर आपकी GSTR 99C की बुक की पेमेंट कर दी थी, अभी तक फिजिकल कॉपी नहीं मिली है। टेंशन मत लो, फिजिकल कॉपी प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है, और विद इन वीक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक भी हमारी 99C की बुक की, ठीक है ना, फिजिकल कॉपी या ऑनलाइन कॉपी बुक नहीं करी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपनी कॉपी को बुक करा सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप में फ्री कोर्स भी है। सर ऐप में फ्री कोर्स है? हाँ जी बिल्कुल, ऐप में फ्री कोर्स है। अगर आपको फ्री कोर्स अच्छा लगता है तो आप उसके बाद पेड कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और हमारे फ्री कोर्स को पढ़कर बताएं कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।